दोस्तों, ये वीडियो में आज आप लोगों को ये रिचार्जेबल एलईडी चार्जिंग लाइट को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये चार्जिंग लाइट पावर ऑन भी नहीं हो रहा है और चार्ज भी नहीं ले रहा है। ये चार्जिंग केबल है इसका, इसके अंदर लगा रहते हैं ये चार्जिंग केबल इसके अंदर, और ऊपर में ये स्विच देख सकते हैं। ये स्विच दबाने पर भी ये चार्जिंग लाइट चालू नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच। और ऊपर में और एक चीज़ दिया गया है, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है। अभी आप लोगों को चार्ज करके दिखा देते हैं ये चार्ज लेता है या नहीं। अब मैं चार्जर को इस स्विच बोर्ड में लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये लाल रंग का इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है, जो चार्ज करते टाइम जलता है। तो ये लाइट नहीं जल रहा है तो ये चार्ज भी नहीं ले रहा है और ये पावर ऑन भी नहीं हो रहा है स्विच को दबाने पर, आप लोग देख सकते हैं। सारा मैंने चेक करके दिखा दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को इसको रिपेयर करके दिखाऊँगा पूरा। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले स्क्रू को खोलना होगा पीछे की तरफ। यहाँ पर बहुत स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को खोल लेते हैं पहले। ये स्क्रू को मैंने चारों तरफ से खोल लिया हूँ, और ये ग्लास को हटा लेना है और ऊपर की ये ढक्कन को भी हटा लेना है। अंदर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डीसी 3.7 वोल्टेज का लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, 3 बैटरी। ये बैटरी ख़राब होने पर भी ये चार्जिंग लाइट चालू नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं अंदर में। और ये दो सर्किट लगा रहते हैं, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए, दूसरा ये कंट्रोलर सर्किट है। और ऊपर में ये स्विच देख सकते हैं आप लोग, ये स्विच भी कभी कभी ख़राब हो जाने पर यह चार्जिंग लाइट चालू नहीं होता है। तो ये दोनों को चेक करेंगे, बैटरी और स्विच को। और ये जो सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट इस बैटरी को चार्ज करते हैं, ये सर्किट ख़राब हो जाने पर चार्जिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सर्किट को भी चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं स्विच को दबाने पर कोई भी लाइट चालू नहीं हो रहा है। और ये जो दूसरा सर्किट है कंट्रोलर सर्किट, इस सर्किट में जो ये देख रहे हैं ये दो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब होने पर ये लाइट चालू नहीं होता है और चार्ज भी नहीं लेता है। अब आप लोगों को मैं मल्टीमीटर से सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा, सारा पार्ट्स को एक एक करके चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बैटरी को चेक करूंगा और ये स्विच को चेक करूंगा। इस स्विच को चेक करने के लिए मल्टीमीटर पर कंटिन्यूटी पे रखना है। अभी आप लोग देखना, ये स्विच को चेक करके दिखा रहते हैं। ये स्विच इस टर्मिनल पर रीडिंग शो हो रहा है और ये दूसरे टर्मिनल को भी चेक करना है। आप लोग देख सकते हैं दूसरे टर्मिनल पर भी रीडिंग शो हो रहा था, तो ये स्विच पूरा ठीक है, ये स्विच में प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद दूसरे जो ये बैटरी है, ये बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी का वोल्टेज। ये बैटरी भी ख़राब हो जाता है ज़्यादातर चार्जिंग लाइट में, ये बैटरी ही ख़राब हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को इस बैटरी को भी चेक करके दिखाएंगे। अब मैं बैटरी की वोल्टेज को चेक करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी का दो पॉजिटिव निगेटिव तार है, इस दोनों पॉजिटिव निगेटिव तार के यहाँ पर चेक करना है आप लोगों को वोल्टेज को। अभी आप लोग देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज बहुत कम दिखा रहा है, 2.3 वोल्टेज दिखा रहा था, तो ये बैटरी में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी का, ये जो टर्मिनल है तीनों बैटरी का, इसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों टर्मिनल यहाँ से बीच से टूट गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अभी आप लोगों को थोड़ा और पास से दिखा देते हैं, ये तीनों टर्मिनल देख सकते हैं यहाँ पर, ये तीनों टर्मिनल यहाँ पर ख़राब होने पर ये बैटरी काम नहीं कर रहा है। तो इसको पहले मैं इसको ज्वाइन करके चेक करूँगा। और उसके बाद ये जो लाइट चार्ज नहीं ले रहा है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं इंडिकेटर लाइट, ये इंडिकेटर लाइट भी नहीं जलता है, ये बैटरी ख़राब होने पर चार्ज नहीं लेता है, तो ये इंडिकेटर लाइट भी नहीं जलता है। तो ये चार्जिंग जो सर्किट है बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये चार्जिंग सर्किट को भी चेक करेंगे। सबसे पहले ये बैटरी की दोनों तार को हटा लेते हैं, ये पॉजिटिव तार है बैटरी का, इस तार को हटा के। और उसके बाद ये बैटरी की तरफ यहाँ पर इसको कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के लिए मैं ये कॉपर का तार यूज़ किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर ऐसे सोल्डर कर देते हैं पहले जैसा, यहाँ पर इसको कनेक्शन करने के लिए पहले यहाँ पर ब्लेड से साफ करना होगा इस बैटरी के ऊपर में। यहाँ पर जो कार्बन ऑक्साइड जो जमा हो गया है, यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मैंने साफ कर लिया हूँ। और उसके बाद इस कॉपर की तार को यहाँ पर ज्वाइन करना होगा और यहाँ पर सोल्डर भी करना होगा। पहले रंग से यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं बैटरी बैटरी के ऊपर में। आप लोग वीडियो को देखते रहना, अभी ये लाइट रिपेयर नहीं हुआ है, ये बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन इस लाइट का और एक प्रॉब्लम है, चार्जिंग प्रॉब्लम। ये लाइट चार्ज भी नहीं ले रहा है, तो इस प्रॉब्लम को भी रिपेयर करके दिखाऊँगा आप लोगों को, चार्जिंग प्रॉब्लम को, कहाँ पर फॉल्ट प्रॉब्लम हो सकता है। ये तार को इस बैटरी के ऊपर में ज्वाइन कर देते हैं पहले यहाँ पर, ये तीनों बैटरी के ऊपर में इस तार को मैंने ज्वाइन कर दिया हूँ। और ये बाकी बसे हुए हिस्से को यहाँ पर कातर की मदद से काट देते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस तीनों बैटरी को मैंने यहाँ पर फिर से पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन कर दिया हूँ। और उसके बाद बैटरी का जो ये पॉजिटिव तार को मैंने यहाँ से खोला था, इस तार को यहाँ पर फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ये तार यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं ऊपर की साइड में। यहाँ पर ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है। अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके दिखाऊंगा। इस बैटरी के अंदर में चार्ज नहीं है। सबसे पहले इस चार्जिंग लाइट को चार्ज करके देखते हैं ये चार्ज लेता है या नहीं ये बैटरी, क्योंकि ये बैटरी ख़राब भी हो सकता है, इसीलिए इसको चार्ज करके देखते हैं सबसे पहले ये लाइट चार्ज होता है या नहीं ये बैटरी। ये जो चार्जर का सर्किट है, ये चार्जर का सर्किट ख़राब हो जाने पर भी ये लाइट चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए फिर से चेक करेंगे मैं इसको चार्ज करते। अब मैं स्विच बोर्ड में इस केबल को लगा दूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है, तो ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पावर ऑन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये आगे का लाइट जल गया है, लेकिन इस चार्जर को निकालने के बाद ये लाइट फिर से ऑफ हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, तो ये बैटरी ही ख़राब हो गया है इस चार्जिंग लाइट का, क्योंकि इस बैटरी के अंदर में करंट सेव नहीं हो रहा है, वोल्टेज सेव नहीं हो रहा है, तो ये बैटरी से यहाँ पर करंट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो ये बैटरी ख़राब हो गया है इस चार्जिंग लाइट का। चार्ज करते टाइम ये लाइट जलता है, लेकिन चार्जर को निकाल देने के बाद ये लाइट फिर से ऑफ हो जाता है, तो इसीलिए इस बैटरी को खोल के दूसरा बैटरी यहाँ पर लगाऊंगा। ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव तार को मैंने यहाँ से खोल लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इस बैटरी को लगाऊंगा। ये दोनों ही सेम बैटरी है, लिथियम आयन का बैटरी। इस बैटरी को पहले मैं चेक करके देखूंगा इस बैटरी से ये लाइट पावर ऑन होता है या नहीं। अब इस बैटरी के ऊपर में यहाँ पर दोनों थाई ऊपर इस तार को मैंने ज्वाइन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट चालू हो गया है, पावर ऑन हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट, अब तो ये बैटरी से ये लाइट पावर ऑन हो गया है, तो ये बैटरी ख़राब हो गया था, इसीलिए इस बैटरी से ये लाइट पावर ऑन नहीं हो गया था। अब मैं आप लोगों को चार्ज करके चेक करके दिखाऊंगा, आप लोग देखना। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट चार्ज भी हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे की तरफ ये रेड कलर का लाइट जल रहा है, ये इंडिकेटर लाइट, तो ये लाइट चार्ज हो गया है। ये लाइट सारा कुछ प्रॉब्लम रिपेयर हो गया है, चार्ज भी ले रहा है और ये पावर ऑन भी हो गया है ये लाइट। फिर से आप लोगों को एक बार पावर ऑन करके दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो ये इस लाइट का ये बैटरी ही ख़राब हो गया था, इसीलिए ये लाइट बैटरी चार्ज नहीं होने पर आगे का इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा था रेड कलर का। अब मैं यहाँ पर तीनों बैटरी को रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के लिए इस बैटरी को सबसे पहले यहाँ से खोल लेते हैं। ये बैटरी को मैंने यहाँ से खोल लिया हूँ। अब इसके जैसा और तीन बैटरी इस यहाँ पर ज़रूरत होगी। अभी आप लोग देखना इस बैटरी जैसा और एक दो बैटरी में यूज़ करूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये पावर बैंक देख सकते हैं, ये ख़राब है। इस पावर बैंक के अंदर में यहाँ पर फाइव बैटरी लगा रहते हैं। इस फाइव बैटरी में से ये दो बैटरी को मैं यूज़ करूँगा, ये ख़राब पावर बैंक का बैटरी है। अब इस तीनों बैटरी को यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। इस तीनों बैटरी को यहाँ पर इस बैटरी के जैसा यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव को दोनों को कनेक्शन करना होगा। ये निगेटिव वाला साइड है और ऊपर में ये पॉजिटिव वाला, तो इस बैटरी को भी मैं यहाँ पर इसके जैसा यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। इस बैटरी का ये आगे का ये पॉजिटिव है और ये दूसरा निगेटिव है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। आप लोग देख सकते हैं ये छोटे वाला पॉजिटिव है और नीचे जो बड़े वाला है वो निगेटिव है। अब इस तीनों को यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करना होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए दो कोपर की तार की ज़रूरत होगी। ये दो कोपर का तार देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर इस तार को सोल्डर कर देते हैं एक एक करके। पहले मैं यहाँ पर निगेटिव पे सोल्डर करूँगा। इस बैटरी के ऊपर में यहाँ पर एक बैटरी सोल्डर हो गया है और ये दूसरे बैटरी का भी निगेटिव को सोल्डर कर देते हैं। ये बैटरी भी सोल्डर हो गया है और ये बैटरी को भी सोल्डर कर देते हैं। तो ये तीनों बैटरी सोल्डर कर दिया हूँ मैंने एक साइड। अब दूसरे साइड में जो ये पॉजिटिव बसा हुआ है इसको भी सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर कॉपर की तार को। अब यहाँ पर इस तार को सोल्डर कर देते हैं। ये तीनों बैटरी को मैंने सोल्डर कर दिया हूँ दोनों तरफ पॉजिटिव निगेटिव को। अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव बैटरी का दोनों तार को यहाँ पर सोल्डर करना होगा फिर से। ये है वाला पॉजिटिव है और यह दूसरा वाला निगेटिव है। अब इसको काट देते हैं। ये तार को मैंने काट दिया हूँ। अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव को ज्वाइन करना होगा। ये रेड वाला का तार ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया हूँ मैंने और ये दूसरे तरफ यहाँ पर ये निगेटिव तार है काले कलर का। तो इस तार को भी मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।
अब इस बैटरी को यहाँ पर फिर से लगा देना है, यहाँ पर स्टेप में, यहाँ पर इस बैटरी का यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर टेप था, स्टेप में यहाँ पर बैटरी को चिपका देना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी यहाँ पर पूरा फिक्स हो गया है, अब यह कभी नहीं हिलेगा ये बैटरी। अब मैं इसको चेक करके देखूँगा ये लाइट पावर ऑन होता है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये स्विच को मैंने दबा दिया हूँ, ये पावर ऑन हो गया है। फिर से आप लोगों को मैंने ये पूरा चेक करके दिखा दिया हूँ, ये लाइट आप लोगों के सामने इसको रिपेयर करके दिखा दिया हूँ। अब इसको चार्ज करके देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। तो आप लोग देखना यहाँ पर इंडिकेटर लाइट शो हो रहा है, ये रेड कलर का लाइट जल रहा है, तो ये लाइट चार्ज भी हो रहा है। तो इस लाइट में बैटरी ख़राब होने पर ये इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा था चार्ज करते टाइम, अब ये बैटरी को मैंने रिप्लेस कर दिया हूँ तो ये लाइट चार्ज भी ले रहा है बैटरी ठीक होने पर। तो आप लोगों को मैंने ये लाइट को पूरा रिपेयर करके दिखा दिया हूँ, पावर ऑन करके भी दिखा दिया हूँ और चार्जिंग प्रॉब्लम को भी रिपेयर करके दिखा दिया हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को देखते ये प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो आप लोगों का ये चार्जिंग लाइट में ये बैटरी ही ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, ये लिथियम आयन का बैटरी। तो आप लोगों को इस चार्जिंग लाइट का ये बैटरी को पहले से चेक करके इसको रिप्लेस कर लेना और उसके बाद आप लोगों का ये लाइट पूरा रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये चार्जिंग लाइट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो।